नागर साहब, मैं सीधे आपके पास आती हूँ। देखिए, प्रथम चरण से मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के हिस्सों से जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उस समय गन्ना जिन्ना, उसके बाद तमंचाबाद की एंट्री होती है, फिर गर्मी उतार दूंगा, अब उसके बाद भाप निकाल दूंगा, ये तमाम बयान आते आते अब चूंकि चौथे चरण का मतदान होना है, आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है पुरानी सरकारों पर, ये बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या बीजेपी इससे फायदा ले पाएगी? चूंकि बार बार वो सुरक्षा व्यवस्था गिरा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर भी, देश के संदर्भ में भी, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि चौथे चरण में जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक जाएंगे। नागर साहब, देखिए चित्रा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं अभय दुबे साहब, अगर ये गौरव भाटिया जी पे पिछले 10 साल हाँ, पहले जाते हैं कि जो उनका मैनुफेस्टो था उसमें ये थे, तो आज कांग्रेस भी अपने ग्रेवान में झांक करके अरे देखे साहब, क्यों भी कि टीम अगर ये बनो दस भाजपा साल की, सब नागर साहब भाजपा की भी टीम मत चित्रा जी बनो, प्लीज, देश देख रहा है आपको, पूरा चित्रा जी देश इनको बोल जरा, रहे हैं, चित्रा जी कांग्रेस इनको पे जरा लड़ी रोक, नहीं गई। चित्रा जी इनको अगर जरा अमित जी को रोको, आपके बीच चित्रा में जी नहीं इनको बोल जरा रहे थे, रोको प्लीज प्लीज, ठीक दो है, क्लास तो रखिए, छोड़िए, चित्रा जब जी आप इनका, सबके बीच इनको में बोलेंगे तो कैसे देखिए, चलेगा, एक बार उनकी बात हो जाए तब देखिए देखिएगा आपका टर्न आएगा तो। अभय दुबे साहब देश का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैठा है जो 5वें नंबर पे है, चारों राष्ट्रीय अच्छा, पार्टी छोड़ दें तो पहले दिखाई नंबर दे का रहा हूं, पार्लियामेंटेरियन, चुपचाप सुन रहा हूं। आप प्लीज, कांग्रेस से मैं विधायक रहा हूं और यूथ कांग्रेस में काम करा, प्लीज मुझे बोलने दो। तो इनको भी अपने गिरेबान में झांके, आज ये केसरिया रंग का वो गले अपना में पुराना पट्टा डाल बैकग्राउंड भी करके गिना रहे हैं, और सुन लीजिए अभय बीजेपी के दुबे जी, परिवेश को देख आपके ही करके सहयोगी रहे हैं। तो ये उसको बैठे हुए हाँ हैं। सर, बोलने दो मुझे प्लीज, अब जब मैं, जी, जब आप बोलते हैं तो मैं चुप बैठा हूं, आप प्लीज बोलने दो। और जहां तक बात है गौरव बोलिए। भाटिया साहब की, कि ये बजाय कांग्रेस में चीजें कमी निकालने की वजह निकालें, कांग्रेस तो खत्म होगी इनकी खुद की कारनामों की वजह से, चाहे हमें भी टीम कहें चाहे खुद भी टीम हो, लेकिन बीजेपी के गौरव भाटिया साहब को आज ये जरूर देखना चाहिए कि इनमें कमियां निकालने के बजाय जो इनके लोग गलती कर रहे हैं, जिससे देश की बदनामी वर्ल्ड के लेवल पे हो रही है, उनको कैसे कंट्रोल करें उसे सोचें। और मुगल्स के टाइम में जो हमारे हिंदुओं बहुत ज्यादा का धर्म परिवर्तन हो गया था, जो सभी जातियों में है, जाटों में भी है, ठाकुरों में भी है, गुजरों में तो बहुत ज्यादा है, 29.4% है जम्मू कश्मीर में गुजर, उनका रहन सहन खान पीन सब अलग है, उन लोगों से अलग सोचते हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं ताकि वो वापसी घर कर सकें, या इस तरह के जो राघवेंद्र जी ने जो टिप्पणी करी है वो बिल्कुल निंदनीय है, उससे थोड़ा सा कैसे बचा जाए। अब बात आती है कैसे चौथे चरण में ज्यादा वोटिंग हो और ठीक है, कैसे लोगों मैं पे उत्तर दे दूं। चर्चा होनी मुद्दे चाहिए, आपका मुद्दे, चित्र जी, हाँ मुद्दे कौन आपके से होंगे? प्रश्न का जवाब दे मुद्दे रहा हूं। हाँ, मैं आ रही हूं मुद्दे गौरव जी, एक बार रुद्र रोजगार जी की का भी बात मुद्दा होना लेकर फिर मैं चाहिए, आऊंगी आपके सामने। किसानों की आय डबल कैसे हो, डिजिटल पेमेंट और आय डबल के लिए हर जिले में प्रशिक्षण जी, शिविर कैसे लगाए जाएं, ट्रेनिंग सेंटर कैसे खोले जाएं, और जो कोरोना के आर्यकाल के बाद लोगों की मानसिक स्थिति खराब है उनको कैसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की ज्यादा सुविधा दी जाए, और कोरोना कार्यकाल में जो सेहत खराब हो गई है उनका ध्यान कैसे रखा जाए, जो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो लेकिन गई इन है, मुद्दों को व्यापार की बड़े आर्थिक मंचों स्थिति से खराब नेता हो गई गिनाते है। क्यों नहीं है? यही तो बात है ना, यही तो बात है, जब बयानबाजी दूसरी दिशा में चित्रा जी खत्म जाएगी कर रहा तो हूं उस पर प्लीज, चर्चा करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि क्या यूपी चुनाव इन तमाम मुद्दों से इतर और अलग होंगे। ठीक है, जल्दी से बोलिए बोलिए चित्रा बोलिए, जी खत्म खत्म कर कीजिए रहा अपनी बात, रुद्र जी भी चित्रा जी इंतजार प्लीज कर रहे खत्म हैं, कर रहा खत्म हूं। कीजिए अपनी बात। इन चीजों में अगर चर्चा हो और हम पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना $5 ट्रिलियन का, जो 3 ट्रिलियन से 2-2.5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी आ गई है, उसे कैसे पहुंचाया जाए और हमारे देश की तरक्की कैसी हो और हमारा देश पहले की तरह कैसे तरक्की कर सके और देश का नाम विश्व में कैसे ऊपर हो, जो पूरे देश नागर की साहब, ये इकोनॉमी बड़ा दिलचस्प हमारी है, तरफ देखे, लोग प्रधानमंत्री का इन्वेस्ट। सपना पूरा करने के लिए अगर बीएसपी का कोई विधायक, अब कोई सांसद लग जाए, प्रधानमंत्री जी भी आपको अगर सुनेंगे तो खुश होंगे वो भी, कि बीएसपी का एक सांसद हमारे सपने को पूरा करने में दिलो जान से लगा हुआ है। लेकिन रुद्र दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए चित्रा जी माफी बोलिए चाहता सर, हूँ, जल्दी से चित्रा जी बोलिए फिर रुद्र जी के देश पास सबसे जाना है, पहले है, देश सबसे पहले है, बोले सर। देश की इकोनॉमी सबसे पहले है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी का हो उस बात को, चाहे नरेंद्र माननीय गौरव नरेंद्र मोदी भाटिया जी जी का खुश हो, हो रहे होंगे आपकी देश बात सबसे सुनकर, पहले है, देश की इकोनॉमी सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। जी यकीनन।